8 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया ट्वीट में दिल्ली पुलिस ने लिखा बीते 4 जनवरी को मायापुरी थाना में तैनात एएसआई शंभूदयाल एक स्नैचर को पकड़ने के दौरान चाकू से हमला किए जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे बीएलके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान आज वे शहीद हो गए हमें अपने इस बहादुर अधिकारी के साहस और कर्तव्यनिष्ठा पर गर्व है उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि इस बीच सोशल मीडिया पर घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी तैरने लगा वीडियो में ए एस आई शंभु दयाल पर हमलावर द्वारा हमला करते हुए साफ साफ देखा जा सकता है घटना के बारे में जानकारी देते हुए सुदर्शन न्यूज चैनल ने इसे जिहाद से जोड़ दिया सुदर्शन न्यूज ने चैनल पर ऑन एयर की गए एक वीडियो को ट्विटर पर शेयर किया और कैप्शन लिखा राजधानी दिल्ली के मायापुरी में पुलिस भी असुरक्षित चाकुओं से की गई योद्धा की निर्मम हत्या जिहादियों की भेंट चढ़े ए एस आई शंभु दयाल वीडियो में घटना के बारे में जानकारी देते हुए सुदर्शन न्यूज की, की जिहादी मोहम्मद को, को जिहादी अनीश बताया। इसके अलावा विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने ट्वीट कर लिखा झपट मार जिहादी अनीश ने किया दिल्ली के एएसआई शंभू दयाल पर जानलेवा हमला गंभीर रूप से घायल अब लगता है दिल्ली में पुलिस भी सुरक्षित नहीं

बचाने के लिए स्पॉट पर ले गए महिला ने उस व्यक्ति की पहचान की तो एएसआई ने आरोपी मायापुरी निवास अनिश राज को पकड़ लिया जब दयाल अनिश को थाने ला रहे थे तब उसने एक चाकू निकाला और हमला कर दिया दयाल के सीने पेट गर्दन और यहाँ तक कि उनकी पीठ पर भी चोटें आई क्योंकि उन्हें कई बार चाकू मारा गया था रिपोर्ट में आगे बताया गया कि 4 जनवरी की शाम हुई इस घटना के बाद शंभू दयाल को बी के अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई घटना के बारे में गलत और भ्रामक सूचनाओं का खंडन करते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर लिखा ए एस आई शंभु दयाल की हत्या करने वाले आरोपी का नाम अनिश राज पुत्र प्रहलाद राज है ये एक अपराधी है मोबाइल फोन चोरी के आरोप में पकड़े जाने के दौरान इसने एएसआई पर चाकू से हमला किया था मामला सांप्रदायिक नहीं है सोशल मीडिया में कुछ हैंडल्स द्वारा गलत व भ्रामक जानकारी दी जा रही है वैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शंभु दयाल को एक करोड़ रुपए की मदद देने की घोषणा की है केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा जनता की रक्षा करते हुए एस आई शंभु दयाल जी ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की शहीद हो गए हमें उन पर गर्व है उनकी जान की कोई कीमत नहीं पर उनके सम्मान में हम उनके परिवार को एक करोड़ रुपए की सम्मान राशि देंगे कुल जमा बात ये कि हमारी पड़ताल में घटना को लेकर किए जा रहे सांप्रदायिक दावे गलत साबित हुए आरोपी का नाम अनिश राज है न कि मोहम्मद अनीश मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट कर अफवाहों का खंडन किया है आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी थी मेरे साथी अंशुल ने मेरा नाम है सोनल ऐसे ही वायरल दावों की सच्चाई के लिए देखते रहिए पड़ताल और दिला शुक्रिया